A galvanometer of resistance G is converted into a voltmeter to measure up to V volts by connecting a resistance R1 in series with the coil. जो भी गैल्वेनोमीटर कोयल है उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट किया तो गैल्वेनोमीटर ऐसे वोल्टमीटर में बदल गया जिसकी रेंज कितनी है V, मतलब V वोल्ट तक मेजर कर सकता है ये. If a resistance R2 is connected in series with it, अगर गैल्वेनोमीटर के सीरीज में R2 रेजिस्टेंस कनेक्ट करे देन इट कैन मेजर अप टू V बाई 2 वोल्ट. सो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होता है सीरीज रेजिस्टेंस तो रेंज ज्यादा होती है, सीरीज रेजिस्टेंस कम होगा तभी वोल्टेज या रेंज जो है वो कम है. Find the resistance in terms of R1 and R2 required to connected to convert it into a voltmeter that can read up to 2V. मतलब double. पहले range V थी, अब double करना तो resistance ज्यादा connect करना पड़ेगा. So कितना resistance connect करना है galvanometer के series में वो बताना है. Also find the resistance G of the galvanometer in terms of R1 and R2. R1 और R2 के terms में. So ये galvanometer और इसके सीरीज में सबसे पहले कनेक्ट किया है R1. ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गैल्वेनोमीटर में. सो इनिशियली जो रीडिंग होगी मतलब जो मैक्सिमम वोल्टेज जिसको ये रीड कर सकता है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर बन गया. सो G प्लस R1 टोटल रेजिस्टेंस इनटू IG. सो इनिशियल रीडिंग है V मतलब रेंज IG इनटू G प्लस R1. यहां से हम लिख सकते हैं V upon IG equal to G plus R1. Equation first. Now, अगर R1 की बजाय हमने कनेक्ट किया R2, R2 रेजिस्टेंस, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तो वही गैल्वेनोमीटर की फिक्स है वो तो. अब रेंज कितनी है V by 2. So इस केस में V upon 2 और IG इधर लिख लेंगे. अब ये हो जाए इक्वेशन IG G plus R. ओके ये है सेकंड इक्वेशन. अब तीसरा इसने कहा रेजिस्टेंस बताना है सीरीज में कितना कनेक्ट करे. सपोज आर कनेक्ट किया, अब रेंज कितनी होगी 2V. सो IG इनटू G प्लस R. सो 2V अपॉन IG इक्वल टू G प्लस R. ये अब यहां से हम G और V बाय IG की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर रख देंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी और जी की वैल्यू भी आ जाएगी साथ के साथ. सो इन दोनों इक्वेशन में पहले तो हमने लगा दिया माइनस का साइन, मतलब 1 माइनस 2, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस. सो 1 माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 2 वी अपॉन आई जी, जी से जी कैंसिल. सो आर 1 माइनस आर ये. अब अगर दोनों को ऐड कर दे ये तो है सब्ट्रैक्शन, और अगर एडिशन कर दे तो ये 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2 V अपॉन IG, और राइट साइड में क्या हो जाएगा G प्लस G 2G और प्लस R1 प्लस R2. V बाय IG की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, V अपॉन 2IG की वैल्यू तो वो है R1 माइनस R2. V अपॉन 2IG किसके इक्वल, R1 माइनस R2 इक्वल टू 2G प्लस R1 प्लस R2. 3R1 माइनस R1 2R1, ये माइनस 3R2 और ये भी माइनस में आएगा. सो माइनस 4R2 इज इक्वल टू 2G, 2 से डिवाइड किया सो G की वैल्यू आई R1 माइनस 2R2. ये तो आया एक पार्ट, G भी हमें कैलकुलेट करना था R1 और R2 के टर्म्स में. अब V अपॉन IG और G की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, 2 V अपॉन IG कितना 2 इनटू R1 माइनस R2, 2 इनटू R1 माइनस R2, और G की वैल्यू R1 माइनस 2R2 और प्लस है R. सो ये 4R1 माइनस R1 3R1 माइनस 4R2 और ये दरअसल प्लस में, सो माइनस 2R2 बचेगा इक्वल टू R, ये R और ये G.